लीजिएगा इस हवाले से। आंखों में ख्वाब सजाए रुखसत हो गया साल 2016, नई उम्मीदों उमंगों से सजा आ गए साल 2017। जी हाँ, कराची के बासी जो है इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और तफरी गाँवों का जो है रुख इख्तियार कर चुके हैं। जैसे कि कल से बच्चों के स्कूल भी शुरू हो रहे हैं और आज जो थी हैप्पी न्यू ईयर की कल नाइट थी और आज जो है साल का पहला दिन है और छुट्टी का भी पहला दिन है। इसी हवाले से कराची के शहरी जो है मुख्तलिफ तफरी गाँवों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफारी पार्क के अंदर, मेरे पीछे आपको हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि बहुत ही जो ताज़ा और ये जो जानवर हैं हमारे साथ, जिससे हम कहते हैं एलिफेंट कहते हैं, हाथी कहते हैं, बच्चों की तवज्जो का इस वक्त मरकज बना हुआ है और हमारे भाई जो है हाथी को जो है हमारे लिए जो है उनको बाहर भी निकाल कर लेकर आए ताकि हमारे जितने देखने वाले नाजरीन जो हैं वो भी इससे आराम से लुत्फ अंदोज हो सके। और यहाँ पे शहरियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो आज अपने छुट्टी का दिन इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का आज छुट्टी का आखिरी दिन है, कल से बच्चों का जो है स्कूल जो है वो खुल रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि आज जितना अपने बच्चों को इंजॉय करवा सके करवा दें, क्योंकि साल का जो है नया दिन का भी आगाज हो चुका है। इस वक्त जो हमारे साथ भाई मौजूद है उनसे ही बात कर लेते हैं, ये बताएगा कि आप जो है इनकी देखभाल जो है वो कब से कर रहे हैं? मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। जाता है रश लग रहा पड़ा है यहाँ, ठीक ठाक है। कैसा लग रहा है कि साल का पहला दिन है और छुट्टी भी जो है बच्चों की जो है आखिरी रह गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? आखिरी दिन है, आज इतवार का दिन है, उसके बाद फिर से स्कूल खुल जाएंगे। देख रहे हैं कि हमारे जो साथी हमारे जानवर जो हैं हाथी मेरे साथी वो भी इस वक्त जो है इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमसे बात नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी बेटा, ये बताइएगा कल से आपके जो है स्कूल खुल रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आज जो है छुट्टी इंजॉय करके? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ आए हैं, अब सब एनिमल्स को देखेंगे और फिर कल से स्कूल खुल जाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आज हम बहुत सब बहुत मज़ा करें यहाँ पे। ओके, जैसे हमारे साथ इसके दूसरे भी जो है एक बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी चाहेंगे, उनसे भी हम बात करें। बेटा ये बताएगा कि आज आप यहाँ पे सफारी पार्क आए हैं, कैसा लग रहा है, कितना इंजॉय कर रहे हैं? सफारी पार्क पहले कैसा था? जी मैं भी अभी 2-3 साल बाद यहाँ आया हूँ, काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से। और अभी हम सफारी पार्क एक है, नाम से मशहूर है सफारी पार्क, अभी हम आए हैं, अभी तो फर्स्ट टाइम यहाँ एलिफेंट पे आए हैं, अभी हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह और एनिमल्स की तरफ जाएंगे। जी के शहरियों का भी यही कहना है कि वो सफारी पार्क में आए, सफारी पार्क जो की नस्बत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों के लिए खाने पीने का तफरी का मकाम भी यहाँ पे मौजूद है और प्ले लैंड भी बना हुआ है बच्चों के लिए और दीगर। शहरियों का रश उमंड आया है, शहरी छुट्टी का दिन इंजॉय कर रहे हैं, हाथी बच्चों की तवज्जो का मरकज भी बना हुआ है। मंसूर जी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में फिल वक्त इतना ही, मजीद किसी खबर की तफसीलात जाननी हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट metro1news.tv।